मनमोहन सिंह कह रहे हैं। अरे रे रे रे, फिर एक क्वेश्चन आप पूछते रहे टीआरपी के लिए। हाँ, मोदी 10 साल में क्या उखाड़ा वो पहले उसको बात बोलो बोलो, राइट। नौकरियां कितना दिलाया, करप्शन को कैसा रोका, हाँ, ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके ऊपर कैसा कंट्रोल करा, ये तमाम चीज़ें। ईडी का बॉस है, सीबीआई का बॉस हो गया, इनकम टैक्स का बॉस हो गया, हर किसी को डराना धमकाना जेलों में डालना उसका एक ही काम है। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कहाँ है? कहाँ भी नहीं है। अभी मेरे को कोई पूछ रहा था भाई, कुछ एक पुकार उठी आप बीजेपी में जा रहे हैं करते ना, तो बोला वारे वाह, अगर से मेरे को पागल कुत्ता काटा तो मैं बीजेपी में जाऊँ, नंबर वन। और नंबर टू, मैं आपके बीजेपी वालों को और मोदी को यहाँ से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप बोले सबका साथ सबका विकास, आप एक मुसलमान को सीट नहीं देते आप, और आप बड़े बड़े स्टेटमेंट ना दिए मदरसों पे जाके कि ये बोल के कि एक हाथ में लैपटॉप रहना और एक हाथ में कुरान रहना, राइट। मुसलमान के हाथ में तो यकीनन कुरान है, वो ता उम्र तक, ता क़यामत तक कुरान हाथ में रहने वाली है। मगर आपकी जो हुकूमत थी, तबलवा करके मैं हाथों में लैपटॉप देता हूँ, तो लैपटॉप दे के आप दिखाओ। आप पहले जो बोल रहे हैं पहले वो अमल करो। आप एक जुमला पार्टी है, आप एक चोर पार्टी है, आप एक लंगी पार्टी है, खाली आप झूठ बात बोलते रहते, हर किसी को आप मैनेज कर लेते, आप खरीद लेते हर किसी को। तो ये आपकी जो सोच है आज हम आवाम के सामने बता रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा अपना जो दस्तूर है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर से इसको बचाने का है तो फिर आप कांग्रेस को वापस लाइए। आज ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते, आज ये CAA लाना चाहते, NRC लाना चाहते, कल कॉमन सिविल कोड लाना चाहते, ये कई के लिए लाना चाह रहे हैं आप? जब संविधान बोलता है कि हम सब एक है, तो आप संविधान के प्रति आप इज्जत नहीं रखते, तो आपकी मनमानी कर रहे हैं मोदी साहब। खुले लफ्ज़ों में आपकी तानाशाही चल रही, और आवाम को मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इनकी तानाशाही तोड़ो आप। और मेहरबानी करके जो भी मेरे को सुन रहे हैं, चुनाव के दिन आप निकल के आप वोट डालो। अगर से जो आपका वोट है ये तब्दीली ला सकती, हम गलियों में निकल सकते, मोहल्लों में निकल सकते, धूप में निकल सकते, बरसात में निकल सकते, मगर अगर से आप घरों से निकल के वोट नहीं डालेंगे सही पार्टी को और सही कैंडिडेट को, तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ काला होने वाला है और ख़तरनाक होने वाला है। सब बीजेपी की कैंडिडेट लता का आपका क्या चीज़ के ऊपर? बीजेपी कैंडिडेट जो माधवी लता है, वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर एक्शन किया। कौन सा एक्शन? जो वीडियो एरो की तरह जो सितारम मजार की मस्जिद पे देखिए की तरह उन्होंने करे, केस रजिस्टर हो गया। देखिए, हम तेलंगाना और खसूसी हैदराबाद और हिंदुस्तान, हमारी पार्टी एक ऐसी है जो अमन और शांति में भरोसा रखती। आज गंगा जमुना की तहजीब है, आज हम यूसुफ बाबा के दरगाह को आए, हाँ, वहाँ पे राम जी भी दिखे, वहाँ पे रहीम जी भी दिखे, ये गंगा जमुना की तहजीब है। और कांग्रेस पार्टी क्या है? हर किसी का आदर करती, हर किसी का रिस्पेक्ट करती। तो ऐसी पार्टी एक फिरखा परस्त पार्टी की एक फिरखा परस्त कैंडिडेट कुछ एक एक्शन करी, तो आप चाहते कांग्रेस पार्टी अमन और चैन ख़त्म करके हम केसा बुक करके बलवा कर रहा? 100% केस तो रजिस्टर हो गया, मगर हम बलवा नहीं कर रहे। बलवा इसलिए नहीं कर रहे, चुनाव का मौका है। अगर से कोई दंगा फसाद हो गया तो मेरे को आप बताइए, दंगा फसाद में ना असदुद्दीन मरता, ना माधवी लता मरती, ना नरेंद्र मोदी मरता, ना अमित शाह मरता, ना फिरोज खान मरता, गरीब कमज़ोर मरता। तो कांग्रेस की हुकूमत में और रेवंत रेड्डी के राज में इंशाल्लाह हम कोई गरीब और कमज़ोर को धक्का भी पहुँचने नहीं देंगे। कारोबार बंद हो जाते, अगर से किसको कुछ हुआ तो उनके बच्चे लावारिस हो जाते, अनाथ हो जाते। तो ये मौका हम देने वाले नहीं हैं, चुनाव का मौका है। तेलंगाना में कांग्रेस का दबदबा चल रहा, और मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आज आपको मैं बोल दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सीट आने वाले कांग्रेस को है, और बीजेपी हैरान बोरान परेशान है। तो कुछ ना कुछ कम्युनल कलर देना चाह रही, जो कांग्रेस पार्टी उनके मंसूबों को कमी कामयाब होने नहीं देंगे। सब 17 लोकसभा 17 उम्मीदवारों को उतारे, उसमें एक भी मुसलमान को अभी तक टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, उसके ऊपर आपका ये जो प्रश्न है, तो वो कांग्रेस सामाजिक न्याय बोलते, सोशल जस्टिस बोलती, और मुसलमान को तो देना बहुत ज़रूरी है। मगर ये प्रश्न अगर से हैदराबाद की सीट कोई मुसलमान को आप नहीं दिए, तो ये प्रश्न आप जाके KC वेणुगोपाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनको पूछना। मैं एक छोटा अदना सा वर्कर हूँ, हाँ, ये जरूरत तो नहीं कर सकता आप क्यों दिए कई को नहीं दिए, मेरे को उसका अंदाज़ा नहीं है। मगर मेरे को एक चीज़ मालूम है, जो भी जीतता उनको देते, और अगर से नहीं भी देंगे तो आने वाली हुकूमत के अंदर जितने भी नॉमिनेटेड पोस्टा हैं या राज्यसभा है, वो बराबर देने का एक दिमाग बना चुकी है कांग्रेस पार्टी। आने का मकसद क्या है दरगाह? आज हमारे लोकसभा कैंडिडेट कांग्रेस के उम्मीदवार नागेंद्र साहब,
ज़ियारत करने आए और बुज़ुर्गान दीन के वसीले से दुआ करने आए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का परचम लहराने का है, तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत होना है और उनकी जीत के लिए और कांग्रेस की जीत के लिए ज़ियारत करने आए। अब एक गंगा जमुना तहजीब रखने वाले एक इंसान है, पहले मैसम्मा मंदिर को गए, उसके बाद में अभी दरगाह को आए, इसके बाद में चर्च को जाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी का सिद्धांत यूनाइट और लीड है और हमारी पार्टी का सिद्धांत गरीबी हटाओ और कॉमन मैन, आम आदमी पार्टी की पार्टी का नाम कांग्रेस है। तो इसके लिए आज जो हमारे नागेंद्र जी आए हैं, राइट, कभी भी आते, 6 टाइम MLA जीते उन्होंने और हम सब की कोशिश रहेंगी और हम सब की दुआ रहेंगी कि इंशाल्लाह ये टाइम 7वीं टाइम वो जीते और सिकंदराबाद के MP बने, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है। तेलंगाना के अंदर सबसे अहमियत की सीट सिकंदराबाद है। किशन रेड्डी जो आज मिनिस्टर है, 4 पोर्टफोलियो उनके हाथ में हैं और तेलंगाना के BJP के प्रेसिडेंट है, सो अगर से उनको हम हरा देंगे तो एक बेहतरीन मैसेज सारे तेलंगाना में और हिंदुस्तान में जाएगा। और नागेंद्र जी और फिरोज़ खान और हमारा पूरा जो कैडर है उनके दिमाग में एक ही है कि सिकंदराबाद जीतना है और रेवंत अन्ना को गिफ्ट देना है। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।